अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार? मैं तो अभी भी सो के उठा हूँ, तो देखते हैं आप पहली वीडियो में क्या करते हैं। अभी दोस्त को फ़ोन करते हैं, उसे पूछते हैं कि आज का क्या प्लान है, तो फिर इधर फ्रेश हो लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यार सीन ये है कि अब दोस्त को फ़ोन मैंने किया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ फिर आज का क्या प्लान है। तो वो कह रहा है कि यार मेरा लाइसेंस बनवाने जाना है। मैंने उसको बोला है कि चलो ठीक है, आ जाओ फिर चलते हैं। तो सबसे पहले भी हम नाश्ता कर लें, वो भी 10-15 मिनट में आ जाएगा, फिर उसके बाद तैयार हो लें, तो फिर उसके बाद मिलते हैं। तो यार नाश्ता तो करके हम फारग हो गए हैं, बाकी ये रह गया तैयार होना। तो वो कपड़े आपके भाई ने बड़े पप्पू के समझे निकलवा के तैयार करवा लिए, समझ रहे हो ना? तो ये पहनते हैं, तैयार होते हैं, उतनी देर में दोस्त आ जाता है, तो फिर निकलते हैं बाकी बाद में। लो यार तैयारी भी ख़त्म हो गई, तैयार भी हो गए हैं, दोस्त भी आ गए, और बस फिर निकलते हैं अपना सामान इकट्ठा करके। लो जी, हमेशा की तरह हमारा दोस्त हमारा फुदू काटते हुए, हमेशा की तरह उसने मेरे घर से बाहर बुला लिया कि मैं आ गया हूँ। अभी भी ये कोई भी नहीं खड़ा सामने, अभी तक नहीं आया बेघर। चलो इंतज़ार करते हैं उसका खड़े होकर। तो यार कोई 5-10 मिनट के शदीद इंतज़ार के बाद लौंडा तशरीफ ले आया, जाके देखते हैं क्या कर रहा था। और बे कैसे हो बे? कैसे हो? ठीक है, क्या हमसे चलवाओगे? बेगारत आदमी है। तो आपको पता है ना मुझे गाड़ी चलाने का इतना शौक। अब हम किधर जाएं भाई? हमने जाना है लिबर्टी, कहाँ से टिकटें लेनी है रिश्व सस्ता काम है ना, पाकिस्तानी जो है। अब मतलब तुम्हारा लाइसेंस बनवाना है? हाँ लाइसेंस। लो यार रास्ते में अब हम रुके हैं बैंक जाने के लिए, एटीएम जाएंगे, एटीएम से पैसे निकलवाएंगे, फिर आगे। तो जी कैश तो हमारा हो गया, अब हम आगे निकलते हैं। यार एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, और अब रास्ते में अब हम सिगरेट लेने रुके हैं, सिगरेट पानी भी तो करना होता है, तो भाई पीछे ले गया आता है, तो फिर आगे निकलते हैं भाई, फिर अपडेट आपको साथ साथ देते हैं। लो जी ये अब हम पोस्ट ऑफिस के पास पहुंच गए हैं, लिबर्टी के पोस्ट ऑफिस के पास, जहाँ से ब्लैक में भी टिकटें मिल जाती हैं। अभी हमें कुछ नहीं पता कि हमें टिकटें मिलेंगी या नहीं। ये पोस्ट ऑफिस आ गया जी, तो बंद लग रहा है। नहीं बल्कि खुला तो है, पर अब गाड़ी किधर लगाएं? चलो गाड़ी लगा लें, मिलते हैं। लो जी पार्किंग हमें मिल गई है, गाड़ी हमने लगा दी है, अब चल के देखते हैं टिकटों का क्या हिसाब है। पर्ची वाला पिछले बार देख बुला रहे, पर्ची लेनी याद है? 7083। Oh my God! पर्ची भी आ गई। अब किधर जा रहे हो भाई? हेलो सबको जाने का। गाड़ी बड़ी दूर नहीं लगा दी? चलो ये हमारा प्यारा पैरिस। अरे नहीं वे ऐसी नहीं दिखानी, पैरिस है ये देखो, बिल्डिंग चेक कर। फाइनली जी इतना लंबा सफर करके हम पहुंच गए पोस्ट ऑफिस तक, अब देखते हैं जी अंदर चल के हमें टिकटें मिलती हैं कि नहीं, अब अंदर जाके वीडियो तो नहीं बना सकेंगे, अंदर हमें गालियां ना पड़ जाएं। तो जी अब यहाँ इतनी दूर आने के बाद इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये मिली है कि टिकटें हमें ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर के अंदर से ही मिल जाएंगी, चलते हैं वहीं चल के देखते हैं जी, पता नहीं मिलते भी हैं कि नहीं, पता नहीं टेस्ट होता भी है कि नहीं। आज वैसे भी सैटरडे है, HBL की स्लिप भी चाहिए, अभी वो भी ब्रांच ढूंढनी पड़ेगी, HBL की कौन सी ब्रांच खुली हुई है आज, बड़ा चक्कर। क्या कह रहे थे जरा दोबारा बोला? HBL बैंक मेरा है, HBL बैंक मेरा है भाई। क्या वाह भाई, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। किधर है भाई? कॉल कर दिए, किसको कर दी कॉल? मैनेजर। लो यार चल चल के मत बज गई है मेरी, हम आ गए हैं लाहौर के टाइम स्क्वायर, लिबर्टी मार्केट। UBL बैंक तो नज़र आ गया, वो HBL ढूंढी बनवाना हो मेरे जैसे अगर आप इंसान हो ना, जल्दी नहीं उठ सकते तो आप बहुत खुआरी काटो। सुबह 10 बजे का उठ के इस आदमी को उठा रहा हूँ, इस वक्त 3 बज रहे हैं, ये आदमी मेरे पास 2 बजे पहुँचा, जाके इलाज कराओ भाई जी। मुझे कॉल रिसीव नहीं, मेरा अलार्म बजा, और जब वो बजा अलार्म तो मैंने सोचा था अलार्म बज क्यों रहा है।
अबे साले तो मैं बंद करके सो गया। बेगैरत है ना, गैरत नहीं है ना। चलो देखते हैं अब आगे जी कितनी ख्वारी काटनी पड़ती है और कितना चलना पड़ता। चलते जाओ। इंतहाई सेके वाली गर्मी खाने के बाद फाइनली HBL बैंक। भाई ये बैंक तो आपका था ना? मेरा बैंक है। देखो फोन कर दिया है। आओ भाई ने सैटरडे को भी बैंक में MCB खुला नहीं ना, मतलब आपने फोन करके बैंक खुलवा लिया। जी मैंने खुलवा। बहुत अच्छा किया साहब। चलो चलते हैं। Few moments later. चल चल के HBL बैंक तक पहुंचे हैं। मैनेजर पहुंचा था, मैनेजर की यहाँ पे सिर्फ ATM खुला, पीछे शटर बंद। और कोई ख्वार करा सकते हो इससे ज्यादा? मैनेजर पहुंचा नहीं। तुम्हारा मैनेजर ही नहीं पहुंचना, अब ढूंढो कोई और ब्रांच। देखते हैं यार, अभी अब पिक्चर भी बनवानी है भाई ने अभी, और फाइल बनवा दी है। देखो अब उधर ड्राइविंग सेंटर चल के, लाइसेंस सेंटर चल के ही देखते हैं अब आगे क्या बताते हैं। 10 मिनट का मसलसल सफ़र तय करने के बाद फाइनली लिबर्टी लाइसेंस सेंटर पहुंच गए हैं। अब देखें जी, अब ये अब इधर तो पहुंच गए हैं, अब आगे अब ये किधर भेजते हैं अभी ये नहीं पता। क्यों भाई किधर भेजेंगे? बाहर देखो क्या बनता है, अंदर चलते हैं। बहुत ख्वारी है यार, कुछ समझ नहीं आ रही। कोई कहीं पे भेज रहा है, कोई कहीं पे भेज रहा है। यहाँ पे अंदर लाइन ये बाहर तक लगी हुई है, कोई पता नहीं है जी। कोई कह रहा है उसके पास चले जाओ, कोई कह रहा है उसके पास चले जाओ। भाई से कोई ट्रैफिक वार्डन घेरते हैं, उसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब देखते हैं फिर आगे क्या करना है। बड़ी ख्वारी है यार। नहीं जी, एक अदर लंबी लाइन को पार करने के बाद अंदर जाके भाई को इन्फॉर्मेशन, ये पता लगा कि फॉर्म ये जो है वो यहाँ से मिलता ही नहीं है। वाह, कह रहे हैं अब आप जाएं अपनी बूथी लेके गुम हो जाएं और दरिया टाउन या ऐसी जगह चले जाएं जहाँ ड्राइविंग के टेस्ट होते हैं। तो अब हम वहीं पे सरकार कर रहे हैं मोहम्मद राणा के साथ, चल रहे हैं पैदल, चली जा रहे हैं। कुछ पता नहीं जिंदगी में किधर जाना है क्या करना है, चली जा रहे हैं बस। चलो देखते हैं भाई क्या बनता। फिर से चलते चलते उसी पोस्ट ऑफिस पर पहुँच गए हैं, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले रहे फिर से ये ना बैरियर जाएं और वहाँ पे जाके भागे थे फिर टिकटें ना मिलें या और इस तरह का कोई मसला पड़ जाए, फिर हमें वापस एक बैरियर से लिबर्टी आना पड़े। पिछले हम यहाँ से पोस्ट ऑफिस फिर पहुँच गए हैं, तो अब यहाँ से टिकटें लेते हैं फिर आगे बैरियर निकलते हैं। शुक्र है जी कोई एक काम तो हुआ है, टिकटें हमें मिल गई हैं, टिकटें ले ली हैं। अब हम बैरियर निकल रहे हैं टिकटों के लिए लेके, तो अब आगे वहीं जाके देखते हैं कौन सी HBL की ब्रांच खुली हुई है, वहाँ से स्लिप लेते हैं। वो भी इंसाफ के साथ काम हुआ, टिकटें पूरे पैसों पे, वो भी टाइम ख़त्म होने के बाद, पहली बार नहीं तो जब भी यहाँ पे आए हैं। मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ पे टिकटें लेने, इन्होंने टिकट 100 की देते हैं। हाँ कभी कभी डिस्काउंट करके 80 की भी दे देते हैं। आज पूरे पूरे पैसों में मिल गई हैं, आज इनको हिदायत आई। ले जी गाड़ी तक पहुँच गए हैं, गाड़ी हमारी आ गई। अब वो पार्किंग के पैसे कटवा के सभी हम अब निकलते हैं। जी अब हम पहुंच गए हैं फोटो स्टूडियो, भाई की फोटो खिंचवानी है। भाई मॉडल है ना हमारा, फोटो खिंचवाने जा रहा है। अब भाई की पहले फोटो बनवाएंगे, उसके बाद फिर अब आगे निकलेंगे। जी हम आ गए हैं भाई की फोटो बनवाने, यहाँ पे हमारे भाई का फोटो शूट हो गया है। भाई का फोटो शूट स्टार्ट हो गया। मेरी फोटो वाले ने कहा है कि जी 15 मिनट तक आ जाएं, अब हम जा रहे हैं फोटो कॉपी करवाने, कॉपी करवाते हैं चल के। पिक्चर भी कंप्लीट हो गई, फोटो कॉपी भी करवा ली, गाड़ी तक भी पहुंच गए, अब बस बैरियर के लिए निकल रहे हैं। ओके ओके ओके। चलो जिस दिन इंसान जितना ज्यादा लेट हुआ होता है ना,
उतने ही मसले पड़ते हैं रास्ते में। अब ये जुबली टाउन के पास पहुंचे हैं, अच्छी भली बनी हुई सड़क ये दोबारा बनाना शुरू हो गई। क्या कहते हो भाई तुम? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ओ यार और लेट करी जा रहे हैं भाई, बहुत लेट हो गए, पहले शाम होगी। जी अल्टरनेट रास्ता निकाला तो है इन लोगों ने, पर वो उधर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि अब हमें फिर से वापस घूम के जाना पड़ रहा है। अब घूम के इजमीर टाउन के अंदर घुसेंगे, वापस जाएंगे उधर, फिर वहाँ से जुबली टाउन, जुबली टाउन से डिफेंस रोड, और उसके बाद कहीं जाके अब हमारी बारी आएगी। वो धोखा काम है यार। बहुत ही मुश्किल रास्ता गुजारने के बाद जिंदगी में इतनी ज्यादा ख्वारी कभी नहीं काटी। क्यों भाई? फाइनली बैरियर एंटर हो रहे हैं जी। अब सर जी लाइसेंस सेंटर जाना है, 5 बजे तक खुला हुआ है यार। खुला होता है यार। तो जी उन्होंने भी कह दिया जी काम नहीं करेंगे वो आपका, आप लेट हैं। यार अब क्या करें, रास्ते में ट्रैफिक इतनी है, ये लोग जलील ही इतना करते हैं। चलो कोई नहीं, जाके देखते हैं अब क्या बनता है। जी पहुंच गए हम, अब यहाँ जाके देखते हैं जी। अब ये अब आगे से क्या फिल्म सुनाते हैं, या ये अपना काम करते हैं, या कहीं कोई आगे फिल्म सुनाते हैं। बैरियर टाउन, चलो जी चल के देखते हैं हम। तैयार हो भाई यहाँ वाली खुआरी काटने की? देखते हैं क्या बनता है। A few moments later, करारा करारा जवाब लेके अंदर से आ गए। अंदर गए हमने, उनको कहा हमें फॉर्म ए दे दें, उन्होंने सीधा मुंह पे जवाब दिया आप लेट हैं, मंडे को हैं। खबर हो गया, सारा दिन बर्बाद हो गया। टिकटें चाहिए तो हमारे से ले लियो, बहुत ज्यादा टिकटें ले लिए। हाँ एक्स्ट्रा टिकटें खरीद, वीरान पड़ा हुआ सब। चलो कुछ हम भी कर लेते हैं यार, अब कुछ तो करेंगे। ले जी भाई, हर जगह से ठुकराए जाने के बाद, सारे दिन की ख्वारी के बाद हमने सोचा अब यहाँ बैरियर टाउन आए हैं, आपको फोटो खींच लेते हैं यार, कोई टिकटॉक बना लेते हैं। भाई मैं नहीं बनाता यार, मैं बनाता। मैं टिकटॉक आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का भी डाल दूंगा, फॉलो कर देना, फॉलो कर लेना हमको। ये आईफल टावर पहुंच गए, अब यहाँ पे अब हम फोटो शूट, पेरिस आ गए अब हम यहाँ पे फोटो शूट करेंगे, हाँ टिकटॉक बनाएंगे, बात करें, फिर हम निकलेंगे आगे, पेट्रोल डलवाएंगे, फिर घर करेंगे। 2 hours later नहीं जी, आईफल टावर आने के भी पैसे पूरे हो गए हैं, अपना फोटो शूट भी हो गया, हमने एक टिकटॉक वीडियो भी बना ली है जिसका जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उसको भी थोड़ा प्यार दिखा देना यार, को लाइक कमेंट कर देना, भाई को फॉलो भी कर लेना टिकटॉक पे भी, और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट बताएं। अभी मिशन ड्राइविंग लाइसेंस का पहला पार्ट तो है अभी नाकाम गया, पार्ट टू बनाएंगे, देखेंगे अब जिस दिन जाएंगे उस दिन इसका पार्ट टू भी लेके आएंगे। अब देखते हैं जी अब आगे का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि अभी सुना है कि पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, पेट्रोल सस्ता हुआ है रात को, जिस वजह से पंप पर उन्होंने पेट्रोल देना ही बंद कर दिए एक दो पंप से। अभी एक दो पंप से पहले पूछा है पीछे, वो उनके पास नहीं था पेट्रोल, तो अब बैरिया वाले पंप नहीं था, अब बैरिया वाले पंप पे चल के देखते हैं क्या बनता है उधर। ये जी यहाँ पे जो लाइनें लगी हुई हैं, ये लाइनें बता रही हैं कि यहाँ पे पेट्रोल मेरे ख्याल से मिल रहा है, तो पर ये भी लिमिट कर देते हैं, 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं देते अगर शॉर्ट हो जाए तो। देखते हैं जी अब पेट्रोल मिलता है यहाँ पे भी कि नहीं। जी जनाब बिल्कुल यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, अब आप यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं, फिर अब निकलते हैं घर की तरफ को। आज का अखबारी भरा दिन खत्म होता है यहीं पे। शाबाश बेटा, भाई के घर आ गए हैं, ड्रॉप कर दी है उनको, अब हम यहाँ से अपने घर निकल जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना है कमेंट करके, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो, कमेंट करके बताएं कैसी लगी दोस्तों में, अगर हो सके तो शेयर भी कर दें।
और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। अल्लाह हाफिज़।